सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या यूपीएससी का या एसएससी का ही कोई एग्जाम क्यों ना हो, उसमें आपको कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन क्वेश्चन की जो आपको एग्जैक्टली आपके रिटिन एग्जाम में मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो या एसएससी हो, तो उसके लिए आप कोई प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं। बेसिकली ज्यादातर लोग यही करते हैं, उसके लिए कोई प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं या प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं, ताकि दोस्तों वो सेम पैटर्न पर प्रैक्टिस कर सके जो कि उन्हें रिटन एग्जाम में मिलता है। क्योंकि दोस्तों, बेसिकली जो प्रैक्टिस सेट्स बने हैं आजकल, उनमें सेम टू सेम पैटर्न कवर किया होता है जैसे कि रिटन एग्जाम में होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक या ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे या वे क्वेश्चन कवर करोगे, तो आपको अपने रिटन एग्जाम में 70 या 80% तक दोस्तों आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। 80% आपके क्वेश्चन वो मैच होंगे, चाहे वो एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो। तो दोस्तों, बात करते हैं क्या है वो ट्रिक। दोस्तों, जब आप कोई प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट खरीदते हो, मान लीजिए कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए दोस्तों आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट खरीद लेते हैं, यानी कि आप मान लीजिए आपने 2000 से लेकर और 2018 तक जितने भी प्रीवियस एसएससी के एग्जाम हुए, मान लीजिए कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सीजीएल के सारे प्रैक्टिस सेट खरीद लिए और उन्हें सोल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन उसमें से मैच हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर प्रीवियस ईयर कवर करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि वो ट्रिक क्या है अगर आपको 80% क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे। तो दोस्तों, आप ऐसा ना करके ना कोई प्रैक्टिस सेट खरीद के और ना ही प्रीवियस ईयर एग्जाम खरीद के, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप दोस्तों मान लीजिए एसएससी का कोई एग्जाम देने वाले हो, मान लीजिए कि एसएससी अब सीजीएल के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप एसएससी के एग्जाम की सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर ना खरीद के आप एसएससी के जो एग्जाम हो रहे हैं रिसेंटली, एसएससी के नहीं दोस्तों, कोई से भी डिपार्टमेंट के, यूपी पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, यूपीएससी का भी कोई एग्जाम हुआ हो, जितने भी उस मंथ में या उस मंथ से 2 महीने पहले जितने भी एग्जाम हो रही हैं गवर्नमेंट जॉब के, कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़े हाई लेवल का भी एग्जाम हो, जितने भी है दोस्तों, आप उनके प्रीवियस ईयर प्रीवियस मंथ के एग्जाम कलेक्ट कर लीजिए। आप इंटरनेट से पीडीएफ उठा सकते हो दोस्तों, आप अगर करंट अफेयर खरीद तो आपको उसमें प्रीवियस मंथ के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। मान लीजिए कि यूपी पीसीएस का हुआ, तो दोस्तों आप उसका प्रीवियस मंथ खरीद सकते हैं, उसमें आपको पेपर मिल जाएगा कि अब कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप उससे तैयारी करते हो दोस्तों, अगर एक ही मंथ में, यानी मान लीजिए 2 क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, एक तो हुआ डीएमआरसी का और एक एलएमआरसी यानी कि लखनऊ मेट्रो डीएमआरसी, दोस्तों ये इसमें बहुत ज्यादा होता है, अभी पेपर हुआ डीएमआरसी का। तो दोस्तों, जो लखनऊ मेट्रो के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन थे वो सेम टू सेम दोस्तों डीएमआरसी के क्वेश्चन पेपर में थे, बिल्कुल सेम। और दोस्तों, मैंने ऐसा भी देखा है जो अब एसएससी सीएचएसएल यानी कि एलडीसी का जो पेपर हुआ, अब करीब शायद मार्च में इसका पेपर हुआ, 1 महीने तक इसका पेपर हुआ। तो दोस्तों, आप इसके सारे प्रीवियस मंथ के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लीजिए, आप इंटरनेट से पीडीएफ उठा लीजिए, और दोस्तों अब आप सीजीएल का दोगे तो दोस्तों आप उसमें से सारे आपको क्वेश्चन, ज्यादातर अगर 25 क्वेश्चन मान लीजिए कि मैथ्स के आए हैं तो सीजीएल में, तो आपने जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है एसएससी सीएचएसएल का, वे क्वेश्चन दोस्तों 25 के 25 आपको मिल जाएंगे उसमें से। दोस्तों ऐसा ही होता है, जितने भी रिसेंटली पेपर हुए हैं आप उनके क्वेश्चन सोल्व करिए, ना कि प्रीवियस ईयर के या कोई प्रैक्टिस सेट के, रिसेंटली जितने भी पेपर हुए हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम, मान लीजिए कि यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है करीब 9-10 जून को, इसका यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर ना खरीद के आप अब एसएससी का जो सीएचएसएल के हुए हैं मार्च में, सारे के सारे पीडीएफ उठा लीजिए या आप दुकान से खरीद लीजिए, तो कोई भी डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश पुलिस का उठा लीजिए। दोस्तों सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट ये है कि आप मध्य प्रदेश पुलिस के उठा लीजिए, कोई से भी डिपार्टमेंट के जितने भी एग्जाम हुए हैं रिसेंटली, हाल ही में 9 जून को यूपी पुलिस का है, इससे पीछे फरवरी तक जितने भी 4 महीने के अंदर जितने भी रिटन एग्जाम हुए तो वो आप सोल्व करिए। दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आपको, 80 या 90% क्वेश्चन दोस्तों आपके मैच हो जाएंगे, मैथ्स के, हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के, दोस्तों 80% क्वेश्चन मैच होंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज से ही आप एक बार ये तरीका भी अपना के देखिए, अगर आपका कोई रिटन एग्जाम आ रहा है तो रिसेंटली हाल ही में जितने भी अभी
क्वेश्चन हुए हैं, सॉरी पेपर हुए हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो उसके आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करिए, और दोस्तों अपना आप रिटन एग्जाम देने जाइए, तो दोस्तों देखोगे आप 80% क्वेश्चन आपके मैच हो रहे होंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि बेस उसी बेस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दोस्तों 100% क्वेश्चन एक एक डिजिट आपकी मैच होगी। दोस्तों ऐसा ही होता है दोस्तों, जो रिसेंटली पेपर होते हैं वे आपको मैच हो जाए। दोस्तों वो पहले था कि 10 साल पहले एक पेपर हो रहा है और वही दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अब दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब रिसेंटली कोई पेपर हुआ तो उसके क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोस्तों, कोई भी डिपार्टमेंट हो क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आपको कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ अपने इस वे टू सक्सेस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, रिटिन एग्जाम, एडमिट कार्ड की सारी जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिल जाती है, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।